ले भी किसान भाई यो मौका है और मौका पर चौका आपने छोड़ना को नहीं है। लेकिन बड़े से बड़ा इनाम जो 1 लाख रुपए नगद तक का है। 485 जो मॉडल आता है वो भी एयर कूल्ड आता है। सबसे पहले दर्द हमें भी होता है, रेट बढ़ता है तो डीलर होते हुए जितना जमींदार भाई को होता है उतना हमें भी होता है। शीट मेटल यूज होता है जी। सबसे पहले आपको बताता हूँ शीट मेटल जो यूज होता है जी। आप इंडियन ब्रांड विनोद देशवाल जी आपको बता रहे हैं ना, ये पहले भी जितनी वीडियो बनाते थे ना A to Z सटीक जानकारी देती, यही कहूँ अभी आप 1 लाख नहीं आपको 2 लाख रुपए का बेनिफिट। हाँ बिल्कुल। राम राम दोस्तों, स्वागत आपका एक और हमारी नई वीडियो के अंदर में। आज की जो अपनी वीडियो रहने वाली है दोस्त, आज हम आए हुए थे आइसर ट्रैक्टर की एजेंसी के अंदर भी, जो कि हिसार से जो सरसा बाईपास वाला जो रास्ता है ना उसके ऊपर लगती है। तो इसी रास्ते पे आपको ये ना 4 एजेंसी मिलेंगी, सोनालिका की भी, महिंद्रा की भी, और अभी आइसर की एजेंसी है जो अपने हिसार के अंदर, जो आइसर की एजेंसी थी पहले वो विकास नगर के अंदर थी। आज हम भाई इस आइसर ट्रैक्टर के बारे में जानकारी देंगे आपको। ये भाई आइसर जिसके पीछे ना सर लगता है भाई, फिलहाल इस ट्रैक्टर के ऊपर भाई क्या ऑफर चल रहा है ये भी जानकारी मैं आपको दूंगा। चलो भाई अंदर चलते हैं, सर से मिलते हैं और करेंगे बात इसके आइसर ट्रैक्टर के बारे में। और सर हाउ आर यू? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सर ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया बहुत मौका मिल रहा है। ओ सर तबीयत पानी ठीक है आपकी? सब तबीयत पानी एकदम फर्स्ट क्लास। तो आइसर लेने का इरादा सर आपका? आइसर लेने का इरादा तो ये इसलिए बना कि एक तो हमें ट्रैक्टर लाइन के अंदर जो प्रोडक्ट अभी अवेलेबिलिटी के ऊपर सबसे अच्छा ऑप्शन लगा आइसर, इसलिए लगा। एक तो रेंज इसकी जो है वो रेंज जो है आम जमींदार की पहुंच में है। हाँ जी, बजट में आम जमींदार के बजट में, कहने का मतलब नहीं नॉर्मल आदमी भी इसने ले सके। दूसरा लॉजिक ये था कि जो इसकी खासियत है मेंटेनेंस वगैरह ये भी नहीं मांगता। अच्छा जी, जीरो मेंटेनेंस? मेंटेनेंस नहीं है इसकी, प्लस माइलेज बहुत अच्छी है इसकी। तो मतलब सर्व गुण संपन्न से ये चीज़ हमें लगी करके, तो इस वजह से हमें लगा कि अगर ट्रैक्टर फील्ड में दोबारा एंट्री करनी चाहिए तो आइसर ब्रांड के साथ में करना चाहिए। सर्व गुण संपन्न वाली बात जो बोल ली सर, वो गांव में बोलते हैं ना, बोले कौन सा ले रहा, बोले आइसर ले रहा हूं, बोले ट्रॉली का राजा ले रहा हूं, जो इसकी टक्कर में आ गया वो पीछे हट गया। ट्रॉली में तो जी ऑलमोस्ट हर जगह इसकी मास्टरी है, हर कोई जानता है। साथ के साथ में एक जो नई चीज इसके अंदर अभी क्या आई है, जो आइसर रेगुलर, अभी ये 2 सेगमेंट में आइसर आता है, एक तो रेगुलर जो पहले से चली आ रही है सीरीज वो जी। एक उसके अलावा एक नई प्राइमा सीरीज, जो एक प्रीमियम, जो मतलब एकदम प्रीमियम कैटेगरी की सीरीज के अंदर जो है प्राइमा सीरीज बोलते हैं आइसर की, उसके भी ट्रैक्टर आते हैं। जैसे हर कंपनी के अलग अलग ब्रांड होते हैं ना, वैसे इसके 2 कैटेगरी है। कैटेगरियां तो 3 आती है, एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड और प्राइमा जी। तो अगर हम एयर कूल्ड वाटर कूल्ड को रेगुलर में मान ले और प्राइमा को मान ले अलग, तो ये 2 कैटेगरी होगी वैसे इसकी। तो प्राइमा जो है प्रीमियम कैटेगरी का ट्रैक्टर है, प्राइमा ट्रैक्टर भी आ जाएंगे, रेगुलर वाले अभी आए हुए हैं जी। तो प्राइमा वाले अभी 1-2 दिन के अंदर ट्रैक्टर पहुंच जाएंगे। तो सर पहले ये जो अपनी एजेंसी थी जो विकास नगर के अंदर थी शायद, वो जॉन डियर की, हाँ वो आइसर की। तो अभी ये अगर कोई किसान भाई अगर भाई किसी आइसर लेने का इच्छुक ना, तो ये एजेंसी ने अपनी बरवाड़ा हिसार से बरवाड़ा वाला रास्ता है सर, ये सिरसा वाला, ये सिरसा वाला, सिरसा दिल्ली बाईपास है जो सुंदरनगर में एजेंसी है, सिरसा दिल्ली बाईपास के ऊपर। यहाँ 3-4 ट्रैक्टर की एजेंसी और भी इसी लाइन में, महिंद्रा हो गया आपका, न्यू लैंड हो गया, आइसर हो गया, तो सोनालिका हो गया, तो सोनालिका और हमारा लगभग 7 लगती एजेंसी है। तो सर अब आइसर के बारे में कोई और किसान भाइयों को जानकारी दो, कोई ऑफर वगैरह भी चल जाएगा आइसर के ऊपर? ऑफर वगैरह अभी चलो वो कल से लागू था तो आज बता दिखाता हूँ, आज आप उधर वर्कशॉप एरिया में चलो। चलो भाई अभी आपको वर्कशॉप में मिलते हैं, सीधी सटीक जानकारी किसान ने देनी है। बिल्कुल, पहले भी दी है और अभी भी देंगे। तो आइसर ब्रांड जो अगर बात करें तो आइसर पहले आता था आइसर गुडअर्थ के नाम से। अच्छा, गुडअर्थ के नाम से आता था? आइसर गुडअर्थ के नाम से। तो ये कंपनी तो बात करो तो आप अराउंड 1952 के करीब की कंपनी है, आजादी के कुछ समय बाद की ही कंपनी है। इतनी पुरानी कंपनी है जी? सबसे पुरानी कंपनी है इंडिया के अंदर। अच्छा जी, अगर इंडिया के ब्रांड की बात करो तो इंडिया ब्रांड के अंदर सबसे पुरानी कंपनी ये है जी। दूसरा, हमारा इस ब्रांड को सिलेक्शन करने का एक रीज़न और था। इस ब्रांड को सिलेक्शन करने का मेन रीज़न ये था कि जो प्रोडक्ट के अंदर खासियत होती है, सबका अपना अपना एक नज़रिया होता है किसी भी प्रोडक्ट के साथ में काम करने का जी। तो हमारा मेन नज़रिया हमेशा ये रहा है कि प्रोडक्ट अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है जी, और बढ़िया माइलेज भी देता हो, बढ़िया मतलब मेंटेनेंस ना हो उसकी जी, और कस्टमर के फ़ायदा करे जी, तो हम
जो उसकी खासियत है हम कस्टमर तक वो पहुंचाए, उसके बाद में कस्टमर अपने आप चीजों को तोल के जो उसके लिए बेहतर हो, जो ऑप्शन उनमें मिलेंगे उनमें से एक ऑप्शन अपना छाट के वो परचेज कर ले। तो इसके अंदर हमें पावर की भी खासियत मिली, एवरेज माइलेज बोलते हैं उसकी भी खासियत मिली, मेंटेनेंस की भी इसके अंदर कोई शिकायत नहीं है तो वो भी एक इसकी ताकतवर चीज मिली। पीटीयू एचपी भी ज्यादा है इसकी जी। कमर्शियल के अंदर भी अच्छा बिकता है, चाहे वो ट्रॉली के किसी काम में देख लो, ट्रॉली का तो राजा है जी बिल्कुल। हाँ, किसी नॉर्मल जमींदार ने पूछा ही नहीं कौन सा बोला आइसर ले भाई, ट्रॉली का तर्जे चाहिए तो बिल्कुल जी। ये जो सिंगल सिलेंडर जो 241 आप देख रहे हो जी, ये आइसर ब्रांड के पास ही एक ऐसा प्रोडक्ट है और किसी कंपटीशन के पास में एयर कूल्ड के अंदर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। एक सिलेंडर है ही नहीं जी, एक ही सिलेंडर है और किसी में नहीं है। इसी आइसर में एक सिलेंडर और किसी में नहीं है जी। तो ये मल्टीपर्पज रोल में है, जिसको छोटे जमींदार में अपना घर की खेती करनी हो जी तो उसके लिए भी बेहतर है कि वो अपने घर की खेती में यूज कर सकता है। साथ ही साथ में अगर उसने ट्रॉली का काम करना हो, चाहे वो मिट्टी डालनी हो, चाहे वो ट्रॉली से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना हो, कमर्शियल तौर पे मानो या कैसे भी मानो, तो वो सारे काम जो है वो इनसे अपना कर सकते हैं। रेंज में भी है जी, लाइफ भी अच्छी है, एवरेज तो ये मान के चलो अगर देहाती भाषा में कहते बाइक की जगह काम। लोगों को इसके बारे में आइशर के बारे में वैसे कोई ऐसी बात नहीं है कि ना पता हो, बहुत पता है लोगों को, बहुत पुराना ब्रांड है। बट इसमें हमारे एंड से जैसे अब वीडियो शूट कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जमींदार भाई को कुछ चीजें बताएं ताकि वो उनके जो उनको पता ना हो कोई नई चीज जो है उनके लायक हो तो वो उस चीज को जान पाए। किसान भाइयों को ये बताओ आइसर के अंदर कौन कौन से ट्रैक्टर आते हैं और कितने एचपी तक के ट्रैक्टर आते हैं आइसर के अंदर? आइसर ब्रांड के अंदर जी दो सीरीज है, एक तो ये जो आप ट्रैक्टर देख रहे हो जी, ये रेगुलर सीरीज के ट्रैक्टर बोले जाते हैं जी, जो पहले से आ रहे हैं जो नॉर्मल जमींदार चला रहे हैं। हाँ जी, दूसरी सीरीज भी नॉर्मल है बट उसमें फीचर ज्यादा है। अच्छा जी, वो आज के नए नौजवानों के हिसाब से डिजाइन किया गया ट्रैक्टर है जी, तो वो प्राइमा सीरीज में आता है जी, और ये भी बिकता है वो भी बिकता है जी। तो दो ऑप्शन है और दोनों की जो डीलरशिप है वो अपने पास में हिसार की। तो इस नॉर्मल सीरीज के अंदर जो है आप बात करो तो 18 एचपी से स्टार्ट हो जाता है और 60-65 एचपी तक के ट्रैक्टर नॉर्मल सीरीज में आते हैं जी। और प्राइमा सीरीज के अंदर जो प्राइमा प्रीमियम सीरीज है जी, वो मैं आपको एक दो उसके अंदर ब्रोशर दे दूंगा, आप वो उसके अंदर आप वीडियो में दिखा दीजिएगा, लोगों को उसका अंदाजा आ जाएगा कि भाई प्राइमा बोल रहे हो, प्राइमा का मतलब क्या है जी। तो उस सीरीज के अंदर जो है 33 एचपी से स्टार्ट होके 65 एचपी तक ट्रैक्टर आते हैं जी। तो इसमें 18 से लेके 65, उसमें प्राइमा के अंदर 33 से लेके 65 है। 33 से 65 हाँ जी। तो इसके ऊपर आइसर के ऊपर कोई ऑफर वगैरह भी चल रहा है जी? आइसर के ऊपर जी वैसे ऑफर तो कल से स्टार्ट होना था लेकिन कल से होना था। हाँ जी, तो आज हम आ गए भी, हमारा सौभाग्य आपके पास। नहीं नहीं, सौभाग्य हमारा भी है जी। हाँ जी, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो जो ऑफर है वो दो ट्रैक्टरों पे है, जो अपने अभी सामने जो ट्रैक्टर खड़े है ये है आइसर का 551 बोलते हैं जिसको। हाँ जी, ये ट्रैक्टर 50 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है जी, ये 50 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है। और दूसरा है वो 241 जिसको सभी जानते होंगे, इसको तो बताने का नाम ही नहीं। सिंगल सिलेंडर में जो आता है ये खेती और कमर्शियल दोनों का राजा है, आप एक हिसाब से यूं मान सकते हैं। सिंगल सिलेंडर के अंदर ये अच्छे बड़े बड़े एचपी के ट्रैक्टरों को टक्कर दे देता है, टक्कर भी नहीं आ सकता जी, कोई भी नहीं इसकी टक्कर में आए वो हमारा आएगा जी। तो इन दो प्रोडक्ट के ऊपर स्कीम है जी, और इस उसका रेट तो है जी जो है। तो सर ये और बताओ किसान भाई को, आइसर ट्रैक्टर के ऊपर कोई ऑफर वगैरह भी चल रहा है या कोई स्कीम आई हुई है? ऑफर भी चल रहा है, ऑफर इन दो मॉडलों पे है फिलहाल। और जो ऑफर है मैं उसकी डिटेल बता देता हूँ पहले, ये ऑफर है 241, ये जो है सिंगल सिलेंडर आता है, एयर कूल्ड जो ट्रैक्टर है, 24 एचपी का ट्रैक्टर है, 25 एचपी कैटेगरी का जी। इसके ऊपर ऑफर है, वैसे इसकी कीमत है 4,30,000 रुपये प्लस लोन, आरसी बीमा और एक्सेसरी जो छतरी और जो हुक आता है उसका खर्चा अलग है, अलग है जी। हाँ, रूटीन में जो बात है वो है जी। लेकिन ऑफर में जो ये है 3,85,000 रुपये का ट्रैक्टर, 3,80,000 रुपये का ये ट्रैक्टर ऑफर में आया हुआ है, और लोन आरसी बीमा और एक्सेसरी जो है वो सेपरेट है। जो ऑफर है वो मौके पर ड्रम ब्रेक के साथ जो ट्रैक्टर आ रहा है 241 उसके साथ में, और अगर कोई तेल ब्रेक कोई पावर स्टेयरिंग लेना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट उसके हिसाब से वो क्या मॉडल लेना चाहते हैं। अगर सर कोई किसान भाई वो बोले सर मेरा बजट कम से कम है, कम से कम कितनी डाउन पेमेंट में ये ट्रैक्टर ले सकता है सर? देखिए लोन डिपेंड करता है आपका मतलब सिबिल स्कोर या आपका रिकॉर्ड कैसा है जी। अगर आपका सिबिल स्कोर 750
या उससे प्लस है जी, तो आपको जो लोन है, अगर आप इनकी अलग अलग कंडीशन होती है अलग अलग फाइनेंसर की, केवाईसी के ऊपर लगभग क्या है कि आपका 70-75% जो आपका लोन हो जाता है, हो जाता है जी। हाँ, जिसके लिए आपको, आपके पास जमीन अगर नहीं है तो 70-75% का लोन हो जाता है, बाकी बची हुई जो पेमेंट है वो डाउन पेमेंट के तौर पे देनी पड़ती है जी। और अगर जिसके पास में लैंड होल्डिंग है तो उसका 5% 10% बढ़ जाएगा, जैसी लैंड है उसके पास में 1 एकड़ है 4 एकड़ है तो उसके हिसाब से 5% 10% यूँ बढ़ जाता है लोन अमाउंट जी। तो दूसरी स्कीम जो है वो है आयशर 551, ये 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, ये मल्टी रोल में चलेगा आपका, खेती में भी और कमर्शियल में भी। तो ये 551 जो ट्रैक्टर है, ये 551 55 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है जी। और ये जो ट्रैक्टर है खेती के अंदर आप किसी भी XYZ इम्प्लीमेंट में आप यूज कर सकते हो, जैसे अदर ब्रांड के यूज करते हो वैसे है जी। इसकी कीमत अगर आप स्कीम के अलावा बात करें तो 7,70,000 रुपये है जी। जिसमें लोन, RC, बीमा या एक्सेसरीज जो है वो अलग रहती है, लेकिन अभी ऑफर के अंदर बात करो तो ऑफर के अंदर इसकी कीमत जो है 6,86,000 रुपये के अंदर है जी। ये वाला मॉडल जो 551 है, ये जो है इसके साथ में एक ऑप्शन, एक ऑफर और मिलता है, ये दोनों ब्रांड के कोई भी ट्रैक्टर जो है, ये 17 सितंबर, अभी विश्वकर्मा डे है जब तक की स्कीम है जी। इस स्कीम के अंदर इस दौरान जो कोई भी भाई ट्रैक्टर लेगा, ये पूरे हरियाणा में स्कीम है, कोई भी भाई कहीं से भी ले सकता है जी। जो उनके एरिया में डीलर हो वहां से ले सकता है, सेम ही रेट है, सेम स्कीम है। और साथ में क्या है कि इसके स्क्रैच कूपन जो मिलता है, स्क्रैच कूपन जो है वो ट्रैक्टर डिलीवर होने के बाद में एक फंक्शन करके दिया जाएगा जी। जब उसमें स्क्रैच करते हैं उसके बाद में उसमें कुछ ना कुछ इनाम निकलेगा, तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग इनाम है। सबसे बड़ा इनाम जो उसके अंदर है 1,00,000 रुपए नगद का इनाम है। कैसे जी? हाँ, ले भी किसान भाई, ये मौका है और मौका पर चौका आपने छोड़ना को नहीं है। ये 1,00,000 रुपए रेट की बात करो तो आप स्कीम के अंदर रेट की बात करो तो उसके अंदर आपको कितना फर्क हो गया, मोटा मोटी 65-70,000 रुपए का उसमें फर्क हो गया जी। और लगभग इतना ही फर्क इसके अंदर आपका, लगभग 90,000 रुपए का फर्क इसमें हो गया। अगर जे किसान भाई का इनाम निकल जाएगा तो फिर फर्क 1,00,000 और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा निकलेगा। तो उसमें अलग अलग इनाम है, सबके ये नहीं है कि स्क्रैच कूपन में 1,00,000 के इनाम है, अलग अलग इनाम है। तो किसी के जो भी जैसा भी इनाम निकलता है वो उसको इनाम मिले, कोई खाली नहीं जाएगा। स्क्रैच कूपन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इनाम ना हो, मतलब यो फॉर ऑल गारंटीड इनाम, खाली भी नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, गारंटीड इनाम मिलेगा। हां जी, लेकिन बड़े से बड़ा इनाम जो 1,00,000 रुपए नगद तक का है। अच्छा जी, और हाँ बोलो जी। और ये तो जो ऑफर बताया आपको इन दो ट्रैक्टरों का है, अब इन ट्रैक्टरों की थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ जिससे कि इन ट्रैक्टरों के अंदर क्या फीचर मिलते हैं और ये किस भाई के काम का है। अगर हम बात करें 241 से, तो 241 जो है एक तो सिंगल सिलेंडर आता है ये जी, और एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, इसके अंदर कोई रेडिएटर वगैरह नहीं लगा हुआ, सूखा है जी। सूखा है कहने का मतलब नहीं, मालूम तो पानी को निकलता, सूखा है। अब एक छोटी सी बात चलती है सर, मैंने पहले आप मेरी ये बात सुनो, मैंने बहुत से किसान सुना बोले मारा तो सूखा है, ये बड़े 50 HP में भी सूखा ही आता है जी। वो 485 जो मॉडल आता है वो भी एयर कूल्ड आता है। अच्छा जी, इसके अंदर मिक्स मॉडल है जी, इसमें वाटर कूल्ड या लिक्विड कूल्ड बोलते हैं, ये लिक्विड कूल्ड वाले आते हैं जिसमें रेडिएटर होता है, कूलेंट वगैरह और पानी वगैरह जो डलता है वो होता है जी। दूसरा एयर कूल्ड सीरीज आती है, तो एयर कूल्ड सीरीज के अंदर जो है 485 तक का एयर कूल्ड मिलता है, उसमें मल्टी सिलेंडर का भी ऑप्शन आता है, सिंगल सिलेंडर का ऑप्शन भी आता है जी। तो ये सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड है। अब उसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो एक बात कहते हैं कि भाई मान लो आयशर, लोग अक्सर कहते हैं कि भाई आयशर 241 का रेट जो है पहले के मुकाबले बढ़ गया। पहले के मुकाबले बढ़ने के कई कारण है, सबसे पहले दर्द हमें भी होता है, रेट बढ़ता है तो डीलर होते हुए जितना जमींदार भाई को होता है उतना हमें भी होता है जी, बिल्कुल। लेकिन कंपनी की भी अपनी मजबूरी है कि वो लागत के अनुसार अपने रेट बढ़ाते हैं, हर कंपनी बढ़ाती है कंपनी। इसके अंदर जो शीट मेटल यूज होता है जी, सबसे पहले आपको बताता हूँ, शीट मेटल जो यूज होता है जी, आप इंडियन ब्रांड और जितने भी है उन इंडियन ब्रांड के अंदर जो लोहा लगा होता है ना, आयशर का जमींदार भाई जो भी या जो कोई भी भाई यूज करता है सबको पता है कि इनका जो लोहा है वो तरेड़ नहीं खाता, फटता नहीं है, मडगाड़ फटते नहीं है। ये जो जानकारी आपको दे रहे हैं ना भाई, कोई भी नहीं दे पाएगा ये बात है ना, ध्यान से सारे किसान भाई गौर से देखना। जो है दीपक देसवाल जी, विनोद देसवाल जी आपको बता रहे हैं ना, ये पहले भी जितनी वीडियो बनाते थे ना, A to Z सटीक जानकारी देते हैं, अंदर की बातें बताते हैं किसान भाइयों को। बताओ सर, अब ये इसके अंदर मान के चलो 1 किलो लोहा लगा है ना जी, अदर इंडियन ब्रांड के अंदर 700 ग्राम लोहा मिलता है, 700 ग्राम मिलता है जी। तो वो फर्क है इसमें और उसमें,
इसकी आपको जो भी ये बॉडी का जो भी पार्ट दिख रहा है, मडगार्ड हो गया, शीट मेटल का शो होगी, किसी भी आईशर ट्रैक्टर की जी, किसी भी मॉडल की जी, तो इनकी लोहे की क्वालिटी में और उनकी लोहे की क्वालिटी में फर्क है। फर्क है जी। उन अदर ब्रांड के अंदर आपको 3-4 साल के अंदर वाइब्रेशन से त्रेड मिलेंगी, मडगार्डो में तो खासकर मिलती है। कहने का मतलब निग्गर लोहा है। हाँ बिल्कुल, जिद्देश के पाछे सर लागे जी। वो तो जी। वो तो आपने इजाद कर दिया। तो एक तो कारण ये है कि जी इसका लोहा जो है वो और ब्रांड के मुकाबले इसके अंदर लोहा मजबूत मिलता है आपको जी। तो एक फर्क आ गया, तो उससे रेट में भी फर्क आता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, अब एयर कूल्ड हम बोल तो रहे, एयर कूल्ड का मतलब क्या है लोगों को ये नहीं पता। ये किसान भाई को पता ही नहीं सर इस बात का। एयर कूल्ड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो इंजन के अंदर जो गर्मी बन रही है, हाँ जी, वो उस गर्मी को कैसे मतलब कम किया जाए ताकि ये इसका इंजन सीज ना हो, सीज ना हो। तो उसका सबसे पहले तो कारण ये है, देखो यहाँ पे आप ये देखोगे, ये वेंटिलेशन के लिए, इसके हवा के वेंटिलेशन के लिए जो आपको दिख रही है जी। तो इस ये फिन्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको, तो ये जो है हवा इसके आर पार जो क्रॉस होती है और जो गर्मी है उसको ठंडा करती है, ठंडा करता है जी। लेकिन सबसे मेन अगर टेक्निकल बात क्या हो, ये तो एक डिजाइन हो गया जी, टेक्निकल बात पे आओ, तो जो इसके अंदर जो लोहा लगा है एयर कूल्ड आइशर के किसी भी एयर कूल्ड ट्रैक्टर में जो लोहा लगा है उसकी लोहे की क्वालिटी अन्य किसी भी ब्रांड के ट्रैक्टर के कंपेयर में अलग है, अलग है जी। और ज्यादा मतलब अगर देहाती भाषा में कहूं तो ज्यादा रिफाइन किया हुआ, ज्यादा प्योर मतलब लोहा यूज किया गया है। उसका कारण क्या होता है, इसके अंदर रेडिएटर तो है नहीं, इसकी गर्मी को सोखेगा जो, हाँ जी नहीं है जी, तो इसकी गर्मी के इसके तापमान के अनुसार उस लोहे को भी तो मजबूत होगा तभी तो खड़ा रहेगा बिल्कुल जी। तो एयर कूल्ड की टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि इसका जो लोहा है वो ऐसी क्वालिटी का लोहा है जो अंदर इसके जो टेम्परेचर जा रहा है औरों में तो कूलेंट घूमता है, वो ठंडा करता रहता है, तो इसके अंदर तो कूलेंट है ही नहीं, ये तो हवा से ठंडा हो रहा है अपने आप बिल्कुल। तो इसके लोहे की क्वालिटी वैसी क्वालिटी है जो किसी अन्य ब्रांड के ट्रैक्टर में मिलती नहीं आपको जी। वो अपने आप वो लोहा उस बड़े तापमान के आगे भी खड़ा रहता है, उसके अंदर फर्क नहीं आता, क्षमता ज्यादा इसको गर्मी झेलने की, कहने का मतलब ये तो इसलिए क्या है, देखो जी चीजों का दाम जो कोई कंपनी बढ़ाती है वो मतलब कोई भी अपने प्रोडक्ट बेचना ना चाहे ऐसा सोच के नहीं बढ़ाती जी। वो तो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है उसी हिसाब से बताती है, लेकिन अब उसकी लागत के अंदर चीजों का बदलाव आ गया। अभी तक लोगों को एयर कूल्ड का कंसेप्ट नहीं पता था कि भाई क्या है जी, तो उसके पीछे कंसेप्ट ये है करके कि इसकी तो क्वालिटी लोहे की क्वालिटी अलग होगी ना टोटल, इंजन के अंदर बात करें इसकी लोहे की क्वालिटी भी लगी है, ट्रैक्टर भी अलग है जी, अलग है जी ट्रैक्टर। टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करो तो ये 241 जो अगर बात करें कंपटीशन में किसी अदर ब्रांड के पास में ये टेक्नोलॉजी अभी नहीं है करके कि वो उनके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट हो करके जी। और ये तो जी मतलब चलाया है, अगर सही मायने में बात करो तो आइशर को मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं भी आइशर यूज करने वाला कस्टमर है कोई बिसराएगा नहीं, ना कोई बिसराओ जी। ये तो वो ब्रांड है जिसने मान लो ये चला के टुक 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 चला के 4-4 ट्रैक्टर ले लिए, एक इस ट्रैक्टर की कमाई से लोगों ने अपने घर में चला के शुरुआत इससे करके अपना घर बना लिया, अपने ट्रैक्टर बड़े कर लिए, तो ये तो उनका कमाऊ पूत है। ये बिल्कुल है जी कमाऊ पूत, तो थोड़ा खावा कमावा ज्यादा। हाँ तो ये तो जी कोई भी जमींदार भाई या जो भाई भी ट्रॉली में यूज करता है कोई भी इस चीज को नकार नहीं सकता। नहीं बिल्कुल, ये तो आदमी जिस दिन भी लिया जब भी लिया आदमी ने ये उसी दिन से कमाऊ पूत रहा है, ये शुरू से ही कमाऊ पूत। तेल का खर्चा कम, मेंटेनेंस है नहीं, अपने काम करो अपने दबा के अपने कमाओ, टाइम पे देखो सर्विस पानी है ट्रैक्टर को चाहिए वो इसको भी चाहिए, हाँ जी तो वो करवाओ, ट्रैक्टर बिना मेंटेनेंस के चलता रहता है। तो अब आइशर 241 जो ऑफर में है इसके अंदर क्या है, एक तो ड्रम ब्रेक है जी इसके अंदर, दूसरा क्या है जी जो स्पीड होती है गियरबॉक्स की 5+1 मतलब 5 स्पीड आपको आगे की चाल मिलेगी, 1 स्पीड आपको बैक में मिलेगी, और इसके अंदर जो ब्रेक आएंगे वो ड्रम ब्रेक आएंगे, स्टेयरिंग जो आएगा वो मैनुअल आएगा। इसके अंदर वेरिएंट पावर स्टेयरिंग का भी आता है, तेल के ब्रेकों का भी आता है, बट ऑफर के अंदर ये ट्रैक्टर है। अच्छा ऑफर के अंदर ये ट्रैक्टर है जी। हाँ ऑफर के अंदर ये ट्रैक्टर है, एडिशनल फीचर अगर आपने लेने हैं वो उसी के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग हम बता देंगे, तो उसका जो एक्स्ट्रा जो फीचर की कॉस्ट पड़ती है वो कॉस्ट देके उसी स्कीम के साथ में आप वो ट्रैक्टर एडिशनल कॉस्ट देके परचेज कर सकते हो। साथ में इसमें टायर साइज 12-4-28 का आएगा, अगला टायर साइज 6-16 का आएगा, ठीक है जी।
और ये आपके सामने ट्रैक्टर है, ऑयल बाथ वहां पे दूसरी साइड में ऑयल बाथ लगा हुआ है। हाँ, एक चीज का फर्क और है आज के टाइम पे जी, इसके अंदर जो अभी ये जो आमतौर पे भाषा में ढोलकी बोल देते हैं, तो ये टेक्निकल नाम इसका मफलर है। तो अब ये जो इसके अंदर जो मफलर आता है, ढोलकी आती है, अब ये जो साउंड पहले जितना ज्यादा खुल के करता था उतनी साउंड अभी नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार के नियम जो है उसके अनुसार कंपनी को बदलाव करना पड़ा। तो अब ये अच्छी चीज कर दी कि इसके अंदर एक ढोलकी, ये जो मफलर ऐसा डिजाइन का ऐड कर दिया कि इसके अंदर जो साउंड है अभी पहले की अपेक्षा आपको कम से कम 20% साउंड आपको कम मिलेगी। पहले क्या होता था, सरकार के नियम उतने टाइट नहीं होते थे, या जो जिस समय के अनुसार जो नियम होते थे उसके अनुसार ही ट्रैक्टर बनाए जाते थे। तो आज के नियम के अनुसार अब क्या है, वो साउंड कंट्रोल कर दी गई है। तो सर अब इसके 551 के बारे में और बताओ सर, किसान भाई 551 के बारे में। सबसे पहले तो 551 जो देखोगे आप सिल्वर कलर में मिलेगा आपको, ये बढ़िया एकदम इसकी डिकेल जो इसको स्टिकर लगे हुए स्टाइलिश वो देखो आप। अब सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें इस ट्रैक्टर की, तो ये जो ट्रैक्टर है इसके अंदर फ्रंट टायर साइज 750 का मिलेगा, रियर टायर साइज आपको 1428 का मिलेगा, 1428 के हाँ जी MRF के हाँ जी, और 3300 cc का इसका इंजन आएगा आपका जी। तीन सिलेंडर इंजन है और ये लिक्विड कूल्ड है। मतलब बताओ सर किसान भाई, लिक्विड कूल्ड क्या होता है कि अलग अलग तकनीक होती है, जैसे एयर कूल्ड हो गया, कूलेंट कूल्ड हो गया। तो लिक्विड कूल्ड क्या है, इसके अंदर जो है आपको कूलेंट या पानी जो है उसका सर्कुलेशन मिलेगा इंजन में जी। जिसकी वजह से जो इंजन की गर्मी है वो उसको कंट्रोल करेगा उसके थ्रू। रेडिएटर भी मिलेगा इसमें जिसकी आप बात कर रहे थे, ये लिक्विड कूल ट्रैक्टर है जी। तो इसके अंदर एक तो आपको 3300 cc का आपको इंजन मिलेगा जी। आप इसके अंदर तीन सिलेंडर इंजन है ये, और जाचा परखा इंजन है जो बढ़िया माइलेज देता है, जो अच्छी पावर जनरेट करता है जी। तो ये ट्रैक्टर के इस इंजन के आगे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर ड्यूल क्लच मिलेगी हमें। डबल क्लच में है जी, ड्यूल क्लच। ये देखो इधर, ये स्टिकर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा ड्यूल क्लच का। ये ड्यूल क्लच मिलेगा, पावर स्टेयरिंग मिलेगा, पावर स्टेयरिंग मिलेगा। और अगर हम गियर बॉक्स की बात करें इधर, तो साइड शिफ्ट जो है हमें यहाँ पे इसमें गियर मिलेंगे, साइड गियर है जी। हाँ जी, साइड गियर, हाई लो मीडियम तीनों में जी। नहीं, ये जो है 8+2 में है जी। और एक ऑप्शनल जो हम बात करें फीचर्स में, अगर आप बात करो तो 12+3 गियर जो हाई लो मीडियम बोलते हो जी, वो गियर बॉक्स के अंदर भी ऑप्शन मिलता है इसके अंदर जी। बट वो अभी ऑफर के अंदर जो है 8+2 का गियर बॉक्स है, जो फीचर मैं बता रहा हूँ ये फीचर के साथ में आपको ऑफर के अंदर ट्रैक्टर मिलेगा। एडिशनल फीचर इसके अंदर आपको 12+3 चाहिए वो मिल जाएगा, वो उसकी जो प्राइस का डिफरेंस होगा उसके हिसाब से होगा जी। और 2100 किलो की इसकी जो है लिफ्टिंग कैपेसिटी है, 2100 किलो की जी। हाँ जी, 2100 किलो की इसकी एक्चुअल लिफ्टिंग कैपेसिटी है जी। मतलब कहने में कोई 2500 कह दो कुछ कह दो वो नहीं, असल में जो इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 2100 किलो है। और जो गियर बॉक्स है जो PCM पार्शियली कॉन्स्टेंट मैश जो है आपका गियर बॉक्स की टेक्नोलॉजी है, जो जल्दी से टूटता नहीं है, इसकी लाइफ लंबी है। और टोटल जो ट्रैक्टर के अंदर है वो टोटल जो तेल आएगा वो 47 लीटर के करीब आपका तेल आता है इसके अंदर, जो आपका गियर बॉक्स में भी आ गया, पावर स्टेयरिंग के लिए भी आ गया, ब्रेक के लिए भी आ गया। अच्छा, एक ही जगह से सारा कनेक्शन है। हाँ जी, हाँ जी, वो नहीं अलग से जमींदार को नहीं कुछ डालना पड़ेगा, नहीं कुछ डालना पड़ेगा, नहीं नहीं, एक ही के अंदर सारी चीज आ गया। और इसके अंदर जो है डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक है, ऑयल 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 ब्रेक बोलते जिसको जी, ऑयल वाले ब्रेक है इसके अंदर। साइड शिफ्ट जो आपका इसका गियर बॉक्स है, और साथ में ये कंपनी से इसके अंदर डबल डिस्ट्रीब्यूटर बोल दो आप नॉर्मल भाषा में, या SCV बोल दो या टू वे वाल्व बोल दो, ये इसके साथ मिलते हैं आपको ट्रॉली के काम में, डंपर के काम में यूज करने उसके लिए है। प्रेशर वाली हर होगी, कंप्यूटर गोड़ी होगी उसके अंदर यूज होता है ना, बिल्कुल। और ये जो है यहाँ पे 3-point linkage जो आपको है लिफ्ट मिलेगी। 3-point linkage का मतलब आप 3 hole आपको दिए गए कंपनी की तरफ से इसमें, जहां आप टॉपलिंग जोड़ोगे। अगर आपने कोई भी अगर खेती के काम पे लिए, अगर आपने ट्रैक्टर लिया है और खेती के काम पे आप अगर कोई भी सेंस करने वाला इम्प्लीमेंट अगर जोड़ते हो जी, तो सेंस करने वाला इम्प्लीमेंट हमेशा ही इसमें आखिरी वाले में जुड़ेगा जी, क्योंकि इसके साथ में यहाँ पे रोड जुड़ी हुई है जी, सेंसिंग करती है ना ये, सेंसिंग करती है। तो जब आप कल्टीवेटर चला रहे हो मान लो जी, तो कल्टीवेटर चलाओगे तो अगर आप उसको यहाँ बीच वाले में ऊपर डाल दोगे तो वो गहराई एकदम ज्यादा आ गई, कहीं पे फोली जमीन है तो अपने आप नहीं उठाएगा, सेंसिंग नहीं करेगा, तो आप मैनुअली आप परेशान हो जाओगे। तो सबसे नीचे डालोगे तो ऑटोमेटिक वो अपनी गहराई को कंट्रोल करता रहेगा जी। यहाँ से आप एक अपने वहां लीवर आपने जिस गहराई पे चलाना है सेट कर दो,
उसके बाद में आप यहाँ पे टॉपलिंग लगा के आप उसको चलाओगे तो अपने आप ये कंट्रोल करता चलेगा, आराम बढ़ गया आपका। कहने का मतलब ये है किसान भाइयों, अगर आपने रूटावेटर चलाना है, नॉर्मली वैसे बहुत से किसान भाइयों ने पता नहीं है रूटावेटर चलाना, तो सबसे ऊपर वाले में चलाओगे, जिसमें ज्यादा सेंसिंग होगी उसमें नहीं डालना आपको, इसमें सेंसिंग भी खराब होती है रूटावेटर में। अगर आपको हैरो कल्टीवेटर चलाना है, बिजाई वाली मशीन चलानी है, वो नीचे वाले में चलानी है, उसमें अपने एक तो फ्यूल की भी बचत होती है ना जी, टाइम फ्यूल दोनों चीजों की बचत होती है, ट्रैक्टर भी ताकत लगाता है, और जो हमने काम करना वो एक समान काम होगा, उसमें फर्क नहीं आएगा, कहीं कहीं किसी खापरे में ऊपर नीचे हो गया, कोई फसल किसी जमी ना जमी कई कारण हो जाते हैं, तो उसमें अपना ऊंचा नीचा ढूंगा लग जाए। हाँ, तो वो ये ऑटो डेप्थ कंट्रोल से ये सारी चीजें कवर हो जाती है। ये उसका हो गया ना जी डंपर का। हाँ, ये डबल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, डंपर अलग से उठेगा। हाँ जी, हाँ जी, साइड में इसलिए दे रखे सीट के पास में, ज्यादा उस चीज को लेके परेशान मुड़ना तोड़ना ना पड़े। लीवर की लुक तो बड़ी जबरदस्त दे रखी है ना जी। हाँ जी, जैसे गाड़ी का इंडिकेटर नहीं करते ऊपर नीचे। सीट भी वैसी आरामदायक है, इसकी सीट भी वैसी आरामदायक है, और साथ में इसके इधर आज के जमाने की जरूरत है, 5G चलता है, मोबाइल चलते हैं, 6G भी चलेगा। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है, यहाँ पर एक ये USB चार्जिंग के लिए जो फोन का ऑप्शन दे रखा है, इसमें फोन भी रख सकते हो आप, चार्ज लगा के आप अपना काम भी कर सकते हो, तो वो बेनिफिट मिलता है। उधर टूल बॉक्स लगा हुआ है। एक और ये नई चीज दिखी सर मेरे को आइसर के अंदर, ये वाली जो जाली लगाई हुई है ना जी, ये किसान भाई की सेफ्टी के लिए बहुत। हाँ, ये मेरे को। किसी भाई का गलती से हाथ ना लग जाए, गर्म होता है तो उससे बचाव के लिए दिया गया है। साथ में ये टेंडम पंप आता है, टेंडम पंप बोलते हैं इसको, ये इकट्ठा होता है ना जो पंप, उसको टेंडम पंप बोलते हैं, पावर स्टेयरिंग का और साथ में आपका हाइड्रोलिक का इकट्ठा पंप आता है, ये टेंडम पंप मिलता है आपको इधर। ये देखो मतलब कितनी अच्छी, मतलब कलर कॉम्बिनेशन, आप ड्यूल टोन देखोगे आप तो लुक वाइज बहुत ही प्यारा ट्रैक्टर है। और साथ की साथ अगर हम बात करें आगे, हैवी एक्सेल आपको मिलता है, ये तो दिख रहा है जी, जब वो आइसर का जब शुरुआत हुई ना, निगरलोवा छाप नहीं रखे, पाथ रखे। नहीं, पाथ कौन रखे, तोल के लगा रखे। और साथ की साथ में अगर आप बात करो पीटीओ के, तो पीटीओ के अंदर इसकी HP जो है आपको 45 HP जो आपको पीटीओ के अंदर मिल जाती है। हाँ जी, और जो आप इम्प्लीमेंट इसके पीछे अगर खेती की बात करो चला सकते हो, तो खेती के अंदर जो हम इम्प्लीमेंट चला सकते हैं वो इसके अंदर रोटावेटर आ गया, सुपर सीडर आ गया, हैरो आ गई, कल्टीवेटर आ गया, और आपका जो भी बिजाई मशीन आ गई, और हल्के काम के लिए आप पंखा चलाना चाहे, स्प्रे की ढोलकी यूज करना चाहे, वो स्प्रे पंप वगैरह, वो सारी चीजें आप इस पे यूज, ऑल राउंड है जी, कहने का मतलब। हाँ, कोई भी काम में लो, कोई भी ट्रॉली चलेगे, कंप्यूटर घोड़ी चलानी हो, लेजर लेवलर वो चलाएगा, सर्व गुण संपन्न है जी, ताकत, माइलेज जी, और PTHP, और सबसे आखिरी में बोला पैसा बचा के देगा, ऊपर से फिर ऑफर। रेंज के अंदर बात करो तो और कंपटीशन के ब्रांड के मुकाबले बात करो तो रेंज में भी सस्ता जी, काम करने में भी सस्ता जी, तो आम के आम गुठलियों के दाम। और अगर आप काम वाइज बात करो, वैसे नाम नहीं लेना चाहिए जी, लेकिन अगर आप बात करो तो 855 का स्वराज का 855 आता है जो, वो फार्म ट्रैक का 60 आता है वो, या अन्य कोई भी सेम कैटेगरी के किसी भी ब्रांड के ट्रैक्टर के साथ आप कंपेयर करोगे उनसे, ये जो ट्रैक्टर है आपको 19 नहीं मिलेगा कहीं पे, 21 ही मिलेगा जी। तो हर चीज के अंदर मान लो सर्व गुण संपन्न ट्रैक्टर है, चाहे आप ट्रॉली में यूज करना चाहते हो, ट्रॉली में आइशर का वैसे भी नाम है, सब लोग यूज करते हैं, उनके यूज करने से उनको खुशी पूर्वक उनके यूज करने के कारण इसका नाम बना है। तो ये चाहे कमर्शियल में यूज कर लो, चाहे खेती में यूज कर लो, दोनों रोल का ट्रैक्टर है। ये वो चीज है कि ये अपने परिवार जिस भी घर में कोई भी इसको लेके जाएगा तो ये उसको फायदा देगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नहीं जी, बिल्कुल। तो अभी के लिए तो इसके अंदर यही चीजें थी जी। बाकी अदर मॉडल जो है हम उसकी बाद में मान लो वीडियो शूट करेंगे और उनके बारे में बताएंगे। तो अभी ये दो ऑफर है, और किसान भाइयों 17 सितंबर तक विश्वकर्मा डे है, तब तक के लिए ये ऑफर, इसका जितना आप फायदा उठा सकते हो, जो भाई भी ट्रैक्टर बदलना चाह रहा है तो वो भाई अपना ट्रैक्टर चेंज कर सकता है, और फाइनेंस करवाना चाहे फाइनेंस भी करवा देंगे, पुराना ट्रैक्टर एक्सचेंज करवाना चाहे रेट टू रेट वो भी एक्सचेंज कर लेंगे, और ये जो इसके ऊपर जो स्कीम मिली हुई है करके वो स्कीम भी आपको मिलेगी। एक बार दोबारा बताओ कितने रुपए की स्कीम है सर? वो स्कीम है जी, इसकी है 6,86,000 रुपए की जी, और उसके ऊपर है 3,80,000 रुपए की जी, ठीक है जी। एक्सेसरीज, लोन, RC, बीमा खर्चा सबका अलग है, वो इसके साथ में अटैच नहीं है। इन दोनों ट्रैक्टर पे ये स्कीम है, साथ में
जो भी जो दोनों ट्रैक्टर ये जो भी बिकेंगे जितने भी बिकेंगे उतने उन भाइयों के स्क्रैच कूपन कंपनी से आएंगे और वो जब स्क्रैच करेंगे उनको शर्त या कुछ ना कुछ इनाम तो पक्का ही है जी। और 1,00,000 रुपए तक का नगद इनाम भी वो पा सकते हैं जिस भाई के किस्मत में वो परमात्मा ने बचत लिखी होगी उनको वो 1,00,000 रुपए तक का नगद इनाम भी मिलेगा। मैं तो सर किसान भाइयों से यही कहूंगा भी आप 1,00,000 नहीं आपको 2,00,000 रुपए का बेनिफिट। हाँ बिल्कुल जायज बात है, रेट का भी है। हाँ जी रेट का भी है, साथ में उसका अगर उनको बेनिफिट मिलता है साथ में, जिन भाइयों को मान लो अगर 1,00,000 रुपए सबको नहीं मिलता किस्मत वाले को मिलता जी, वरना जो भी भाई खरीदेगा उसको उसका रेट का बेनिफिट तो मिल ही रहा। 1,00,000 रुपए 90,000-1,00,000 रुपए की तो बचत वैसे ही आ रही जी बिल्कुल। और हमेशा जब भी काम करोगे तो अपना तेल का खर्चा तेल बचाता ही चलेगा ये जी बिल्कुल, तेल का तो माइलेज मास्टर है। माइलेज मास्टर। तो विनोद देशवाल जी ने हमारे साथ भी इतना टाइम दिया, इसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। ठीक है, और किसान भाइयों को अगर किसी किसान भाई को ट्रैक्टर लेना हो और किसी अन्य जानकारी के लिए भाई, तो मैं सर का जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, और बाकी एजेंसी में आपने बताई दी भाई आप वो सिरसा दिल्ली बाईपास, सिरसा दिल्ली बाईपास कहने का मतलब भाई अपना जो बरवा चुंगी है नहीं उससे आप सिरसा की तरफ जाओगे नहीं, 3-4 किले चल दे आपने बैनर दिख जाएगा पुलिस लाइन के सामने है जी। हाँ जी बिल्कुल, पुलिस लाइन के सामने सुंदर नगर के अंदर ओन हाईवे अपनी एजेंसी है, अपने साथ लगती सोनालिका न्यू लैंड महिंद्रा इसी लाइन में आगे की तरफ में।